सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज अपडेट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सी टी 2020 डिस्प्ले प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड सेकेंड के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप राउंड सेकेंड के प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस करके रखें ताकि एमएससीटी से कोई भी जुड़ी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पा सकें। सो आइए दोस्तों, बात करते हैं आप कैसे चेक कर सकते हैं एमएससीटी के जो कैप राउंड सेकेंड का अलॉटमेंट लेटर है। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले सिटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यदि आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्निकल एजुकेशन बाई तरफ में, और दाई तरफ में यहाँ पे आपको एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको MBA MS उसके नीचे आना है। आपको आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको बी और BTech यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बी और BTech पे आपको सिंपली टैप करना है। सिंपली आप टैप करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप चेक करना चाहते हैं कैप राउंड फर्स्ट की जो सीट अलॉटमेंट की मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2021 की थी तो आप यहां से व्यूज कर सकते हैं, आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। और यदि आप कैप राउंड सेकेंड के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा। ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। साइन इन करेंगे तो आपके सामने जो आपको कॉलेज अलाट हुई होगी वो आपके सामने खुल जाएगी। सो गाइस, जैसे आप चेक कर सकते हैं, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल को ऑल में प्रेस करके रखें ताकि MSCET से कोई भी जुड़ी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पा सकें।